ये साल 2022 बॉलीवुड के लिए काफी निराशाजनक रहा। रिलीज तो काफी अच्छी अच्छी मूवीज हुई इस साल, पर मैक्सिमम उनमें से अच्छी मूवीज का कंटेंट हमें ओटीटी पर देखने को मिला। और तो और बॉलीवुड के ऊपर आए बायकॉट के खतरे के बादल भी काफी असर डालते हुए दिखे। पर फिर भी हम तो यही कहेंगे कि कुछ फिल्में सफल हुई और कुछ फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई और कुछ औसत कमाई कर पाई। पर इनमें से कुछ मूवीज मेरे हिसाब से ऐसी थी जो इतनी भी बुरी नहीं थी कि फ्लॉप हो गई। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस साल की बॉलीवुड की टॉप 5 एक्शन मूवीज जो फ्लॉप होना डिजर्व नहीं करती थी। और मैं ये पहले क्लियर कर दूं कि मेरी राय आईएमडीबी की रेटिंग और मेरे पर्सनल रिव्यूज को ध्यान में रखकर है, तो हो सकता है कि आपकी राय मेरे से थोड़ी अलग हो और ऐसा होना तो स्वाभाविक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे है शमशेरा। रणबीर कपूर, वाणी कपूर, संजय दत्त और रोनित रॉय विनीत, ये मूवी साल की वन ऑफ द हाईएस्ट एंटीसिपेटेड मूवीज में से एक थी। और ये मूवी बॉलीवुड की ट्रेडिशनल मूवीज से काफी अलग तो नहीं, पर हाँ एक्शन, प्रेजेंटेशन, वीएफएक्स और बीजीएम वाइज बहुत क्लासी थी और इसको देखने का भी अपना अलग मजा था। पर इसमें मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया संजय दत्त के रोल ने, जो माथे पर तिलक लगाकर काफी खूंखार दिखे थे। इतने खूंखार कि रणबीर कपूर भी उनके आगे कुछ कुछ सीन्स में फीके पड़ गए, बट फिर भी एक्टिंग वाइज हर किसी ने बहुत बेहतरीन काम किया था। पर कुछ लूज एंड्स और क्लाइमेक्स से पहले की धीमी स्टोरी टेलिंग के चलते ये मूवी कल्ट मूवी बनते बनते रह गई, जिसका मुझे पर्सनली बहुत अफसोस है। और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी सिर्फ 63 करोड़ ही कमा पाई। नंबर 4 पर है अटैक पार्ट 1। जॉन अब्राहम, जैकलीन, रकुल प्रीत की इस फिल्म में सब कुछ था जो हमें एक बॉलीवुड फिल्म में चाहिए, पर जिसको देखने के लिए हम आए दिन हॉलीवुड मूवीज की तरफ भागते हैं। एक साईफाई मूवी जो बेस्ड थी सुपर सोल्जर के कॉन्सेप्ट पर और जो कमांड पे चलता था एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और जिसकी लाइफ सडनली एक हमले में जाने वाली होती है तब उसको सुपर सोल्जर बनाया जाता है। हॉलीवुड में हम रोबोकॉप, टर्मिनेटर जैसी ऐसी कई मूवीज में इस तरह का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। शायद इसी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर उतना असर नहीं कर पाई जितना कि ये डिजर्व करती थी, और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बस 22 करोड़ ही कमा पाई। पर इस फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्यराज आनंद ने कहा है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट तो जरूर आएगा, तो अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ऐसा कब होता है, क्योंकि मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। नंबर 3 पर है सम्राट पृथ्वीराज। ये मूवी अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवीज में से एक थी, जिसका डायरेक्शन किया था डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने, जो दूरदर्शन के चाणक्य सीरियल के कर्ता धरता है। यार मैं सच बोलूं थिएटर में इस मूवी का एक्सपीरियंस अच्छा था, पर शायद काफी लोगों को पृथ्वीराज के किरदार में अक्षय कुमार पसंद नहीं आए, पर फिर भी मूवी का बैकग्राउंड स्कोर, वीएफएक्स और सेट डिजाइन और म्यूजिक अच्छा था, और ओवरऑल एक बढ़िया विजुअल थिएटर एक्सपीरियंस मुझे इस मूवी में मिला था। 2006 में क्रिश के बाद ये फिल्म काफी टाइम बाद मेरी मम्मी ने मेरे साथ थिएटर में देखी और सरप्राइजिंगली उनका रिएक्शन मुझे पॉजिटिव लगा, जिसकी वजह से मुझे भी ये मूवी एक अच्छी वन टाइम एक्सपीरियंस वाली लगी थी। सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम और स्टोरी टेलिंग का तरीका हमेशा से डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी का थोड़ा अलग रहा है, पर फिर भी इस मूवी को आप अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हो और सच में एक बार देखना तो बनता है इस मूवी को। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी सिर्फ 90 करोड़ ही कमा पाई, जो इस मूवी के बजट का आधा भी नहीं। नंबर 2 पर है आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत की मूवी एन एक्शन हीरो, जो हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई थी। मूवी मुझे पसंद तो आई और सच में ये डिजर्व भी करती थी एक अच्छा थिएटर रिस्पॉन्स, क्योंकि सिवाय एक दो छोटे मोटे स्क्रिप्ट के लचीलेपन और कुछ अतिशयोक्ति घटनाओं को बॉलीवुड अंदाज में दिखाने के अलावा एक्टिंग वाइज सबका काम बहुत अच्छा था। डार्क कॉमेडी जोन की ये मूवी एक लाइट एंटरटेनमेंट तो मुझे जरूर लगी। हालांकि अपने रिव्यूज में मैंने इस मूवी को सिर्फ 2.5 स्टार ही दिए थे, पर सच बताऊं तो उस वक्त मेरे अंदर का क्रिटिक जागा था। पर इस मूवी को अगर मैं एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह देखूं तो ये फिल्म डेफिनेटली एंटरटेन तो करती है, जिसका जिक्र मैंने अपने रिव्यू में भी किया था। और असर करता है इसका क्लाइमैक्स, जो थोड़ा ओवरहाइप्ड होने के साथ साथ अनरियल भी है, पर फिर भी उसका एक अपना अलग मजा है। 32 करोड़ में बनी ये मूवी सिर्फ 16 करोड़ के आसपास का बिजनेस ही कर पाई, जो कि इसकी लागत मूल्य से भी काफी कम है, जिसकी वजह से ये मूवी एक फ्लॉप की कैटेगरी में आती है। पर काश इस मूवी को देखने और लोग भी जाते और इसके ओटीटी पर आने का वेट करने से पहले इसको थिएटर में देखना पसंद करते तो ये फिल्म भी अच्छा खासा कमा लेती और फ्लॉप की कैटेगरी में नहीं आती। खैर ये तो अब संभव नहीं, क्योंकि इस फिल्म को फाइनली बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित कर दिया गया है। नंबर 1 पर आती है मूवी भेड़िया, जो कि स्त्री यूनिवर्स का ही पार्ट थी, यानी कि स्त्री मूवी का सीक्वल थी। और डायरेक्टर अमर कौशिक ने वाकई अपना बेस्ट दिया था इस मूवी को बनाने के लिए। वरुण धवन बदलापुर के बाद वाकई किसी मूवी में मुझे इतने इंप्रेसिव लगे, और उनके वेयरवुल्फ बनने वाले सीन भी मुझे काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगे। कृति सनन का रोल वाकई हैरतअंगेज था, और एंडिंग में आकर स्त्री मूवी से जो इस मूवी को डायरेक्टर ने कनेक्ट किया है वो मुझे तो क्या हर उस ऑडियंस को पसंद आया जिसने ये मूवी देखी। अभिषेक बनर्जी का जाना किरदार वापस से हमें इस मूवी में देखने को मिला। ये मूवी कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर थी, जिसको शायद इसके अकॉर्डिंग उतनी ऑडियंस नहीं मिली, पर एस्टिमेट 60 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग 80 करोड़ का ही बिजनेस किया, जो बॉक्स ऑफिस पंडितों के हिसाब से काफी औसत है। पर ये मूवी डेफिनेटली एक अच्छा थिएटर रिस्पॉन्स डिजर्व करती थी, जो शायद उसको नहीं मिला। तो दोस्तों ये तो था मेरा परसेप्शन और मेरा जजमेंट इन मूवीज को लेकर। आपकी क्या राय है अपनी राय जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इस साल की 5 बिगेस्ट फ्लॉप मूवीज कौन सी हैं जो वाकई फ्लॉप होना डिजर्व करती थी। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। फिर से मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।